इधर आओ। ये है आम जी। बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। सुबह से आपके लिए यहाँ खड़ा है साहब। एक बार हाथ मिला रहा हूँ साहब। मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा ये है मेंटोस जिंदगी। 9, 8, 7, 6 भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं। अरे भैया आखिर नीतीश चाचा को हुआ क्या? कभी अचानक से मोदी जी का पैर छूने लगते हैं तो कभी मोदी जी का हाथ पकड़ के ऐसा कुछ दिखाने लगते हैं जिससे मोदी जी भी एक सेकंड के लिए चौंक जाते हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर द्वारा कहा जा रहा है। आर यू कॉमेडी मी? पीएम मोदी और नीतीश कुमार के ये वायरल वीडियो बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन का है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे नीतीश कुमार का स्नेह मोदी जी के लिए मंच पर दिखा है। जिसे देखकर तो कई जेडीयू नेता और जनता भी हैरान है कि इतना स्नेह क्या जेडीयू के किसी नेता को कभी मिला है। कम से कम एक बार बता तो देते आपको हम कुछ कहते हैं। आप बताइए हम आपको कुछ कहे हैं? पता है ना आप सबको। अब मोदी जी और नीतीश कुमार की इस वायरल वीडियो पर लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसी पे एक यूजर लिखते हैं, सरकार बनाना तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है और सरकार गिराना मेरे दाएं हाथ का। तो रोशन राय लिखते हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये चेक कर रहे हैं कि मोदी जी बायोलॉजिकल है कि नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो। चप्पल फेंक के मार दिया। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। मोदी 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 प्लीज। ये अच्छा अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया यूजर द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के काफिले में उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंक दिया गया। हालांकि अब ये ठीक ठीक कह पाना संभव नहीं है कि चप्पल है या फिर कोई फूल या माला जो मोदी जी के स्वागत में फेंकी गई है। बात तो सही है। दरअसल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में मोदी जी की गाड़ी पर चप्पल फेंकने का मामला सामने आया, जिस पर लोग भी काफी नाराज है। तो इसी पे जीतू नामक यूजर लिखते हैं, मैं से चप्पल फेंकने वाले की कड़ी निंदा करता हूँ। मोदी जी अब ये मत कहिएगा कि यूपी से जिंदा बचकर लौटा हूँ। तो एक और यूजर लिखते हैं, ऐसे चप्पल नहीं मारनी चाहिए, साहब को लग जाती तो कड़ी निंदा। चल झूठा। देखिए भाई, देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके की हरकत करना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता, ये निंदनीय है और ऐसा करने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। खैर इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।